कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराए भी अपने हो जाते हैं और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।